तो मुंबई में पहली ही बारिश से तीन घरों में मातम पसर गया। दरअसल कल बारिश के बाद दो अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई के कांजूर मार्ग पर भांडू पश्चिम में बारिश के बाद करंट लगने से दो बच्चों की और एक युवक की जान चली गई। कांजूर मार्ग के साई नगर में 10 साल के बच्चे ओम की मौत करंट लगने से हो गई, वहीं 12 साल का दूसरा बच्चा घायल हो गया। दूसरी तरफ भांडूप में एक और दर्दनाक हादसा हुआ। यहां बारिश के बाद 9 साल की बच्ची सारा की करंट की चपेट में आने से आग लगी, जिसे बचाने के लिए गए 33 साल के युवक अनिल यादव की भी मौत हो गई। भांडूप की घटना को लेकर मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों और MSEB के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनका अब क्या? दो अलग अलग जगह पर यह हादसे हुए जहां तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक युवक और दो बच्चे शामिल हैं, जिसमें एक की करंट लगने से और एक की करंट में जब आग लगी उसके बाद एक बच्चे की मौत हो गई, जिसे बचाने के लिए जो युवक गया, जो 33 साल का युवक था, उसकी भी मौत हो गई। पहली ही बारिश में प्रशासन और बिजली विभाग ने चेतावनी दी है, साथ ही राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की चेतावनी दी गई है। उत्तर और मध्य भारत में मौसम गर्म रहने का अनुमान है, तो वहीं उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। धूल भरी हवा चलने की भी चेतावनी इसमें दी गई है। तो ये मौसम विभाग की चेतावनी है, जिनमें उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर तमाम ये जो इलाके हैं इनमें भारी बारिश हो सकती है। तो यहां पर आपने देखा इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में तमाम प्री मॉनसून बारिश हुई, जिसमें मुंबई में करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। तो वहीं कई इलाके हैं जहां पर कई दिनों से जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, 40 के पार पारा चढ़ा हुआ था, उसके बाद लोगों को राहत तो मिली, लेकिन प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से तीन लोगों की जान भी चली गई। मुंबई सटे ठाणे में भी बारिश हुई, प्री मॉनसून ये बारिश कही जा रही है। तो वहीं अहमदाबाद में कई जगह बारिश से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं कई जगह पर पानी जो है वो भर गया है। अहमदाबाद के अलावा जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अहमदाबाद की हैं, इसके अलावा सौराष्ट्र, बनासकांठा में भी बारिश हुई है।